डियर चिल्ड्रेन और मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर है वित्त बाजार। वित्त बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट विभिन्न आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने के लिए किसी ऐसे साधन की आवश्यकता होती है जो उन्हें सुचारू रूप से निर्देशित कर सके और वित्त की वह शक्तिशाली साधन है जो इस कार्य को संपन्न कराता है। वित्त आधुनिक व्यावसायिक अर्थव्यवस्था का जीवन स्तर है। यह समस्त व्यावसायिक क्रियाओं का मूल आधार है। इसके बिना कोई भी व्यावसायिक उपक्रम को स्थापित नहीं किया जा सकता और ना ही सफलतापूर्वक उसे संचालित किया जा सकता है। वित्त व्यवसाय का मूल आधार है। कोई व्यवसाय पर्याप्त वित्त के बिना ना तो प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही उसका विकास हो सकता है। व्यवसाय कैसा भी हो, उसकी सफलता पर्याप्त मात्रा में वित्त की पूर्ति पर निर्भर करती है। वित्त वास्तव में आधुनिक व्यवसायिक अर्थव्यवस्था का जीवन स्तर है। जिस तरह मानव शरीर बिना रक्त के उचित संचालन के बिना स्वस्थ नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय भी वित्त के उचित संचालन के बिना स्वस्थ नहीं रह सकता। वित्तीय बाजार में विपणन हेतु वित्तीय संपत्तियां, जिन्हें साधारण प्रतिभूतियां कहा जाता है, उपलब्ध रहती है। सामान्य बाजार में वस्तुओं के क्रय विक्रय की भांति वित्तीय बाजार में भी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये व्यवहार एक विशिष्ट स्थान स्कंध विपणी या स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है। आजकल यह व्यवहार कंप्यूटर जनित माध्यम से किए जाते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं को की भांति इस वित्तीय संपत्तियों का उपभोग नहीं किया जाता, वरना इसका प्रयोग अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए क्रय विक्रय के होता है। वित्तीय बाजार का क्षेत्र स्कंध विपणन तक ही सीमित नहीं है, यह वहां भी सक्रिय है जहां किसी भी प्रकार की वित्तीय संपत्ति में कहीं भी और कभी कोई भी व्यवहार कर रहा है। वित्तीय संपत्ति का अर्थ यहां स्पष्ट होता है। तो वित्तीय जो बाजार है उसको फाइनेंशियल मार्केट के नाम से भी जानते हैं। यह प्रपत्र अपने विशिष्ट नाम की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है और जैसे समता अंश, पूर्वाधिकार अंश तथा ऋण पत्र आदि होते हैं, निष्कर्ष के रूप में यह सामने आता है कि वित्तीय बाजार एक संस्था वह व्यवस्था है जो चेक, विनिमय प्रपत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, जमा और ऋण, स्टॉक और बॉन्ड्स आदि के लेन देन को सुविधाजनक बनाती है। वित्तीय बाजारों में दलाल बैंक, गैर वित्तीय संस्थाएं, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, बट्टागिरी, केंद्रीय बैंक आदि अनेक संस्थाओं की सहभागिता होती है। प्रोफेसर चेको ने इसे अपने शब्दों में कहा है कि वित्त बाजार की परिभाषा एक ऐसे स्थान के रूप में की जा सकती है जहां प्रत्येक प्रकार के कोषों का क्रय विक्रय होता है। प्रोफेसर गेंट ने कहा है कि वित्त बाजार एक ऐसा संयंत्र है जो कि उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराता है तथा ऋणदाताओं को वित्त लगाने का अवसर प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय बाजार एक नियतकालिक मौद्रिक परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय का केंद्र माना जाता है। वित्तीय बाजार के कई प्रकार के मूलतः
तीन प्रकार होते हैं जिस पर यह आधारित होता है, जिसे कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के नाम से जानते हैं। वित्तीय बाजार का आधार विश्व के सभी देशों में निवेश कोष की इन वेस्टेबल फंड्स की आवश्यकता सदैव रही है और रहती है। इस निवेश कोष की न्यूनतम लागत पर सामयिक तथा अपेक्षित मात्रा में उपलब्धि को वास्तविक तथा संभव बनाने में वित्तीय बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह तीन प्रकार की होती है, अतिरेक इकाई सेविंग सरप्लस यूनिट्स, अतिव्यय इकाई डेफिसिट यूनिट एंड तटस्थ इकाई नेचुरल यूनिट्स। ये तीन प्रकार के यूनिट्स हैं और तीन प्रकार के आधार हैं वित्तीय बाजार के। वित्तीय बाजार के कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे फाइनेंशियल मार्केट में बी डिफाइंड एज ए प्लेस वेयर ऑल टाइप्स ऑफ फंड्स एंड बोट एंड सोल्ड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चेको। ए फाइनेंशियल मार्केट इज अ मशीनिज्म विच मेक्स इज पॉसिबल फॉर बोरोअर्स टू ऑब्टेन फंड्स एंड फॉर लेंडर्स टू फाइंड सुटेबल आउट लेट्स फॉर देयर फिनांस। तो ये सारी बातें ये वित्तीय बाजार के आधार हैं, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय बाजार के कई प्रकार के कार्य होते हैं, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार जो है उसके मुख्यतः चार प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे बचतों को गति प्रदान करना एवं अत्यधिक उत्पादक प्रयोगों को की ओर ले जाना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैलेंजिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज, मूल खोज में सहायक होना, फैसिलिटीज प्राइस डिस्कवरी। तीसरा, वित्तीय संपत्तियों में तरलता प्रदान करना, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, व्यवहारों की लागत कम करना, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये सारी बातें वित्तीय बाजार के अंतर्गत आती हैं और यही है हम लोगों का वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट, और इसी के अंतर्गत ये तमाम बातें हैं और इसको हम लोगों ने आज जानने का प्रयास किया है। आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर बात होगी।